नमस्कार, मैं हूँ किरण और ब्यूटीफुल हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे बेकिंग सोडा से हम किस तरह से अंडरआर्म का कालापन घटा सकते हैं। तो आजकल हर लड़की अंडरआर्म के कालेपन से परेशान है। हम लोग जो डिओड्रेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, वैक्सिंग करते हैं, इन सब चीज़ों से अक्सर जो हमारे अंडरआर्म्स हैं वो काले पड़ जाते हैं। और ये जो काले अंडरआर्म्स होते हैं ये देखने में भी बड़े ही ख़राब लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेकिंग सोडा किस तरह से उपयोग में ला के हम अंडरआर्म्स को पहले से बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो अंडरआर्म्स का कालापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा बड़ा ही उपयोगी है। बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाएं और उसकी पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट का उपयोग आप स्क्रब जैसे कर सकते हैं। इस स्क्रब को अपने अंडरआर्म्स में लगाएं और उससे क्या होगा कि जो आपके कालापन है अंडरआर्म्स का वो कम हो जाएगा। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ये स्क्रब का उपयोग करके अपने अंडरआर्म्स के जो कालापन है उसे कम कर सकते हैं। अंडरआर्म्स पर बेकिंग सोडा का भी उपयोग आप पाउडर जैसा कर सकते हैं। ऐसे करने से जो आपकी पसीने की दुर्गंध है वो कम से कम आएगी या नहीं आएगी और आपके जो अंडरआर्म्स है वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। बेकिंग सोडा में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं और उसे अच्छे से मिक्स करें और उस पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स पर लगाएं। थोड़ी देर के बाद जब ये पेस्ट सूख जाएगा तो उसे धो लें। ऐसा अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो 15 दिन में ही आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क महसूस होगा। आप ये फ़र्क देख के दंग हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा उपयोग है, आप एक बार करके देखिए। बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को अंडरआर्म्स पर लगाइए। थोड़ी देर बाद आप उसे धो लीजिए। ऐसा करने से अंडरआर्म्स का कालापन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये उपाय भी काफ़ी असरदार है, आप इसे भी करके देखिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा उपाय है, एक बार ज़रूर आजमाइए। तो ये सारे फ़ायदे थे बेकिंग सोडा के, जिससे आप अभी एक गोरी अंडरआर्म्स पा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट पर। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।